स्टार्ट करते हैं बेटा एनटीएसी टॉपिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, एन एलजेब्रिक एक्सपेंशन एफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स रेस टू द एन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इस एक्सपेंशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं बेटा। अगर जो ये कोफिशेंट हैं ए नोट ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन, ये सभी क्या हों रियल, और जो इंडेक्स है यानी कि एक्स की जो पावर है वो क्या हो होल नंबर, तो इस तरह की एलजेब्रिक एक्सपेंशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल जैसे कि थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस वन, यहाँ आप देखेंगे बेटा एक्स की पावर जो है यहाँ पर वन, यहाँ पर कोई नहीं, तो इसको आप एक्स रेस टू द जीरो बोल सकते हैं। यहाँ पर वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर वन और यहाँ पर एक्स रेस टू द जीरो हो जाएगी। देयरफॉर दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बेटा, ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल टर्म है ये। ये नॉन पॉलिनोमियल क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर क्या आ गई वन बाई टू, और कंडीशन क्या है वोल नंबर। वोल नंबर मीन्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि पावर या तो जीरो हो या वन या टू या थ्री एंड सो ऑन। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशेंट है वो माइनस थ्री का स्क्वेयर रूट आ गया, दैट इज़ रूट थ्री आइटा, यानी कि इमेजनरी नंबर, तो कोफिशेंट मस्ट बी रियल। यहाँ ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स रेस टू द क्या हो जाएगा माइनस टू, यानी कि पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, वोल नंबर नहीं रहेगी। सेम यहीं पर भी ऐसा ही बेटा, यहाँ पर भी पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव, रियल वोल नंबर नहीं रहेगी। नेक्स्ट है बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपने समझ लिया पॉलिनोमियल क्या होता है, एक सिंपली एक एक्सपेंशन है बेटा इस तरह की। ये जो कोफिशेंट लगे हुए हैं ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ए एन, ये सभी क्या होते हैं रियल नंबर, और जो पावर लगी हुई है एक्स के ऊपर वो क्या होती है होल नंबर, बस इसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद है बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट इंडेक्स होती है एक्सपेंशन में एक्स के ऊपर वो इसकी डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है वन, यहाँ पर डिग्री क्या है टू, ठीक है ना, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। उसके बाद है बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो टाइप से होती है बेटा, एक डिग्री के अकॉर्डिंग एक नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैंने अकॉर्डिंग टू डिग्री बताया आपको, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल बेटा जिसकी डिग्री जीरो हो उसको जीरो डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं, या डिग्री जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए बेटा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू फोर, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई टू, एफ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एफ एक्स इक्वल टू सेवन, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल इसे बोलते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई करके और उसके ऊपर पावर जीरो लगा सकते हैं हम इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना। तो दीज आर जीरो डिग्री पॉलिनोमियल और कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट का मीनिंग ये मत समझना बेटा कि एफ एक्स, जैसे यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट ले दिया तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, आप इसको जीरो नहीं ले सकते यहाँ पर। दिस इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, ये हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ये होता है बेटा, कॉन्स्टेंट है लेकिन ये जीरो है, इसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड। क्यों डिग्री नॉट डिफाइंड, यहाँ पर आप एक्स रेस टू द जीरो भी कर सकते हो मल्टीप्लाई में इसके साथ, एक्स रेस टू द वन होगी तो जीरो ही फिर भी वैल्यू इसकी, एक्स रेस टू द टू भी कर सकते हो, तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री वन हो बेटा, हाईएस्ट पावर वन हो, ए और बी रियल हो और ए की वैल्यू जीरो ना हो, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू बी, अगर बी की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, और बी की वैल्यू नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है तो ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। नेक्स्ट बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह के एक्सपेंशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं बेटा। ए बी सी क्या होते हैं रियल, और ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हाईएस्ट डिग्री क्या हो दो, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये एग्जांपल लिख दिए मैंने, डिग्री हाईएस्ट डिग्री दो, टर्म कोई भी मिस हो, बेशक से इसमें सभी टर्म हैं, जैसे दो पावर एक पावर जीरो पावर, इसमें एक टर्म मिस हो गई जीरो पावर वाली, इसमें एक्स की पावर वन वाली टर्म मिस हो गई, और मैं लिखूं तो इसको भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकता हूं बेटा, अकेली इस टर्म को, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री दो हाईएस्ट बस। क्यूबिक पॉलिनोमियल,
इस तरह की एक्सपेंशन जो होती है अलजेब्रिक वो क्यूबिक पॉलीनोमियल होती है बेटा। ए बी सी डी क्या होते हैं रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है ज़ीरो। वही बात फिर दोबारा से सेम फैक्ट, अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाएगा। ये एग्जांपल मैंने लिख दिया बेटा। टर्म कोई भी मिस हो सकती है, हाईएस्ट डिग्री क्या हो थ्री हो। अकेला मैं एक्स क्यूब लिख दूँ केवल एक्स क्यूब, ये भी आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है। नेक्स्ट है बेटा बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलीनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री फोर हो, ए बी सी डी ई रियल और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये एग्जांपल लिख दिया मैंने। एग्जांपल में आप कोई भी टर्म मिस कर सकते हो। उसके बाद बेटा ये टॉपिक बाद में बताता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स बेस्ड ऑन टर्म्स। तो मोनोमियल होता है बेटा एक पदी बोलते हैं इसको हिंदी में, जिसमें एक टर्म हो, ए एक्स 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 की फोर एंड सोन, ये सारे मोनोमियल हैं बेटा जिसमें एक टर्म हो। पावर यहाँ पर पावर पर डिपेंड नहीं, पावर सेवन भी हो सकती है 700 भी हो सकती है, टर्म एक हो केवल। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो बेटा, इस तरह की एक्सपेंशन जिसमें दो टर्म हो, डिग्री कितनी भी हो सकती है टर्म दो। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, डिग्री कितनी भी हो सकती है। और तीन से ज़्यादा टर्म होती है बेटा उनका कोई फिक्स नेम नहीं रखते, उनको बोलते हैं सिंपली कॉल्ड पॉलीनोमियल, उनको पॉलीनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। ओके बाय बेटा। अगर आप इस एनटीएससी सिलेबस को करते हो तो मेरा चैनल है जो उसका नाम बेटा ओम लक्ष्मी मैथ। इसमें क्या है, इस चैनल में मैं आपको एनटीएससी और ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस स्टार्ट करवाया बेटा मैंने अभी से, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। एनटीएससी में सबसे पहले रेजोनेंस की बुक सोल्व करेंगे, उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स वगैरह, और ट्वेल्थ में सबसे पहले एलिमेंट सोल्व करेंगे और फिर कंपटीशन लेवल का। ओके बेटा बाय।